तो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है। गैस स्टेशन बोल रहा था सुपर मार्केट सिमुलेटर के एक और न्यू एपिसोड के अंदर, जहां पर लास्ट टाइम हम लोग देखे थे कि हम लोगों ने कुछ सामान को, मतलब जो प्रोडक्ट लाइसेंस है उसको परचेस किया था। और आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लाइसेंस को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ आज का मेन जो काम होने वाला है वो है वर्कर को हम लोग हायर करेंगे, ठीक है ना। तो आओ ज्यादा बकवास ना करते हुए गेम के अंदर चलते हैं। तो फाइनली गाइस, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ और मैं इधर ये जो स्टॉक है इसको मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए। इधर इधर की बहुत सारा चीज़ों को बाय परचेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गाइस फिलहाल मैं ये करूँगा कि अभी गेम रनिंग होते होते ही हम लोग ये परचेस कर लेंगे, ठीक है ना। और सारे आइटम्स को मैं ये कर लेता हूँ, और उससे पहले मैं दोनों वर्कर को हायर करूँगा या फिर प्रोडक्ट लाइसेंस परचेस करूँ, क्या करूँ गाइस ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो चीज़ बिल्कुल खाली होकर रखा है ना, उसको मैं पहले परचेस कर लेता हूँ। जैसे कि इधर देख पा रहे हो, ये देखो सारे रैंक्स को देख करते हुए चलते हैं। देखो पहले तो ये पास्ता बिल्कुल क्लियर होकर रखा है, तो इधर चलते हैं, मार्केट में चलते हैं, सीधा चलते हैं पास्ता के उधर। तो पास्ता बिल्कुल क्लियर है, तो ऑप्शन को बाई कर लेता है। उसके बाद क्या होकर रखा है, ये इसमें दो है, इसमें तो बिल्कुल नहीं है, ये भी 4 परचेस करना पड़ेगा। ये भी 4, भाई साहब बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑर्डर करना पड़ेगा हम लोगों को गाइस। फिलहाल वो कौन सा था, एक सेकेंड, एप्पल का बिल्कुल ही नहीं था। एप्पल को परचेस कर लेते हैं, 4 प्रोडक्ट्स को परचेस कर लेता है एप्पल, 4 प्रोडक्ट और 2 प्रोडक्ट ये का परचेस कर लेता है, इसका परचेस कर लेता है, तो ये आ जाएगा। तो हमारा जितना पैसा था शायद से सारा चले जाने वाला है अभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग परचेस करने वाले हैं। उसके बाद है ये वाला मिल्क, ठीक है ना, जो कि सेल्फ में रखा जाता है ये वाला मिल्क को, इसको भी 4 पैकेट परचेस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है 4 पैकेट परचेस करने लाइक, ये तो 6 पैकेट जाएगा, इसमें तो कोई मतलब बात ही नहीं है कि 6 पैकेट ऑर्डर कर दूँ मैं। और उसके बाद ये वाला चीज़ को मैं 4 पैकेट ऑर्डर कर सकता हूँ, कहा गया, एक सेकेंड, यही तो रहा ना कुरल, हाँ कुरल यही वाला है, तो इसको कर देते हैं 4 पैकेट ऑर्डर। उसके बाद ऊपर वाले ऑप्शन पे मेरे को 2 पैकेट मंगाना पड़ेगा, 12, 10, ठीक है, तो इसको कर देते हैं 10 पैकेट, तो ये परचेस कर लेते हैं। अभी इनमें से इसको कर देते हैं फुल 6 पैकेट, अब 10 पैकेट नहीं है, इसको 6 पैकेट ऑर्डर करना है हमें, इसको करना है 6 पैकेट, और इसको करना है ये पैकेट। ओके 10 पैकेट इसका हो गया है, इसको इसका काम कंप्लीट गाइस। फिलहाल मेरे को ये हिसाब से इसको ही मैं परचेस कर लिया है, मेरा सारा पैसा तो अभी इसमें ही चला जाएगा गाइस, फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है। उसके बाद नीचे देख पा रहे हो, जैसे कि 6-9 प्रोडक्ट हो रहा है, 1 प्रोडक्ट हमें इसका मंगा लेंगे, ठीक है ना। तो इसका पास कौन सा आइटम का कमी था, मैं भूल गया हूँ, एक सेकेंड देखने दो। वो परफ्यूम वाला इधर क्यों है, परफ्यूम तो बहुत कम नीचे है भाई, ये रहा ये वाला परफ्यूम प्रोडक्ट, 6 चाहिए, जेली बिन रह रहा है ना उसके साथ, हाँ जेली बिन रह रहा है, तो वो हम परचेस कर लेते हैं भाई जेली बिन के साथ। ये क्यों है इधर, ओके ये वाला क्यों है, तो उस साइड रहना चाहिए था, लेकिन सही है चलो छोड़ दो। इसको 3 ऑर्डर, 1 पीस ऑर्डर देना है, इसको मैं ऑर्डर कर देता हूँ 1 पीस, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुका है हमारा बाहर, तो मैं सारा लूट करवा देता हूँ, उसके बाद तुम लोगों से मिलता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो फाइनली मैं सारे बाहर के जितना भी प्रोडक्ट था गाइस, सारे के सारे को लूट कर चुका हूँ। जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, इधर सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने रख दिया है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसा है जो कि मैंने परचेस नहीं किया है अभी भी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे प्रोडक्ट्स को परचेस करवाना है। जैसे कि पोटैटो का 6 राउंड तो परचेस करना है मेरे को, पोटैटो कहा गया, बिंच पोटैटो 6 पीस मेरे को चाहिए, बिंच पोटैटो 6 पीस चाहिए। तो इसी के साथ मेरे को ये चाहिए 4 पीस ये चाहिए पीस, और ये वाला चाहिए मेरे को, टोटल 10 हो चुका है, बहुत बढ़िया ये आ चुका है। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या चाहिए, इसमें 2, इसमें 4, टोटल हो गया 6 पीस, ओके कहा गया 1, 2, 3, 4
और उधर का हो गया 2 पीस, 6, 4 2 6 हो चुका है गाइस ऑलरेडी। इसमें लोडेड है, ये भी लोडेड है, ये भी लोडेड है। ऊपर में ये क्या रखा हुआ है, डिश वॉशर है शायद से, हाँ डिश वॉशर है। 1 2 3 4 इसका रहा है, इसमें से ये वाला चीज का मेरे 4, ये 4 मंगा लेते हैं ना, राइस राइस मंगा लेते हैं 4 पैकेट। ये ऊपर के साइड था ये वाला राइस, 4 पैकेट मंगा लेते हैं, ठीक है ना गाइस। उसके बाद हमारे पास ये तो लोड हो चुका है, उसके बाद आ जाते हैं हम इस साइड में, ये फुल लोडेड है। एग्स कम है, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा ही कम है एग्स भाई। भाई बहुत सारी चीज़ों को परचेज करना पड़ेगा भाई, हालत खराब होने वाला है मेरे हिसाब से। तो फिलहाल उसके बाद नेक्स्ट में कौन सा आता है, इसमें से रैग इवेंट ये सारे परचेस हो चुका है। ये कहाँ पर है भाई, एक सेकेंड भाई, मैं ये कहाँ पर रखा था, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा। मेरे हिसाब से मैं तो इधर ही कहीं रखा था, लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा है फिलहाल। गलत सीन भैया, एक सेकेंड गाइस, कहाँ चला गया वो वाला, ये आइटम गायब हो चुका है। डार्मिकुल वाला कहाँ गया, डार्मिकुल वाला भाई लिटरली डार्मिकुल गायब हो गया। तो डार्मिकुल वाला मैं ना इधर नहीं रख रहा हूँ, मैं रखने वाला हूँ डार्मिकुल को। मेरे को डार्मिकुल परचेस करना पड़ेगा, 6 पीस ऑर्डर देना पड़ेगा इसका 6 पीस ऑर्डर देना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट इसके बाद इधर आना चाहिए था लेकिन है ही नहीं भाई। लिटरली गाइस फुल्ली गायब हो चुका है वो, पता नहीं कहाँ चला गया मेरे को। अभी उसके बाद है हमारे पेपर रोल, पेपर रोल तो इधर है बहुत सारा। पेपर रोल को तो हमने ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी पेपर रोल। तो फिर मैं क्या करता हूँ गाइस, 6 पीस उसका 6 पीस, और ये ना मैं बढ़ा देता हूँ, क्या बोलते हो गाइस। ये वाला आइटम को मैं ऑर्डर कर दिया हूँ ऑलरेडी। ऊपर में 2 रैग ये का रह रहा है ना, उसका 2, इसका तो भरा दिया है, इसका बाकी 2 ऑर्डर कर देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि उसके बाद पेपर रोल हो गया इसका भी, ये भी फुल होकर रखा है पीछे इस साइड, ये फुल होकर रखा है। उसके बाद क्या है बताओ, ये है, ये कितने पीस है हमारे पास, 2 पीस कम है, तो 2 पीस ऑर्डर कर देता है इसका। इसका 2 पीस ऑर्डर कर दिया है, और हनी का कितना है भाई, हनी, अरे हनी का 5 पीस ऑर्डर देना है, तो हनी का तो नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। तो ये वाला पीस मैं ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है ना गाइस। उसके बाद मैं सारा चीज़ों को लगा लेता हूँ, उसके बाद तुम लोगों से मैं मिलता हूँ, ठीक है ना। तो फाइनली गाइस, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, इधर जितना भी सारा सामान था मैं ऑलरेडी ऑर्डर करके लेके आ चुका हूँ। इधर जैसे कि देख पा रहे हो, मेरे पास पैसा भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और एक्स्ट्रा सामान मैं कुछ ऑर्डर करके लेके आ गया था, जो कि उधर फेंक दिया हूँ मैं। और तो गाइस फिलहाल मैं एक काम करता हूँ कि कहा गया मैं चलता हूँ मैनेज में और हायरिंग में चलते हैं, जो कि मैं बोला था कि आज के इस वाले वीडियो में का खास चीज़ होने वाला है, वो होने वाला है हायरिंग। कैशियर हायरिंग कर दिया है हमने, एक और कैशियर को हम लोग मतलब रीस्टॉकर को हायर करते हैं, 2 रीस्टॉकर को, ठीक है ना। तो टोटल 3 रीस्टॉकर आ चुका है, मैं तुम्हें दिखा देना चाहता हूँ। ये देख पा रहे हो 3 भाई, ये लोग सामान को रीस्टोर करेगा जितना सामान होगा, ठीक है ना, और सारा सामान को ये लोग रिस्टोर वगैरह करेगा, ठीक है ना। और देखो 2 2 कैशियर अभी आ चुका है, और हमारा चीज़ों का अच्छे से सेल वगैरह होने वाला है। तो ये फुल रैग फुल भरा हुआ है, ये वाला भी भरा हुआ है। मैं पोटैटोस को और ज़्यादा सेल करना चाहता हूँ, तो पोटैटोस का जो ये बैंड है ये मैं ना इधर लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें पोटैटोस सेल होगा अच्छे से, तो पोटैटो सेल होगा अच्छे से। ये फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, सारा देखो सारा सारा सामान फुल होकर रखा है, सिर्फ ये आंटी है भाई। अच्छा खासा सेल होने वाला है, तो मैं ये को स्टार्ट कर देता हूँ, देखता हूँ कितना सारा सेलिंग होता है। और इसके बाद देखो आज का जो मेन काम था वो हमने कर दिया है, साथ ही साथ कुछ वगैरह सेल वगैरह करेंगे, देखेंगे प्रॉफिट कितना होता है, और प्रोडक्ट लाइसेंस में जाके कोशिश करेंगे कि 2 प्रोडक्ट लाइसेंस को आज परचेस करने का, ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट लाइसेंस में जाके। और हमारे पास बहुत सारा बिल सर के रखा है, तो मैं जल्दी जल्दी दे देता हूँ।
तो $3,000 अभी हमारे पास बचा हुआ है और हमारे पास प्रोडक्ट परचेस करने के लिए ये वाला लाइसेंस है, ये वाला लाइसेंस, दो लाइसेंस। मेरे को मेरा काम इधर है कि सारा देखना और टाइम से जाके ये करना। अपग्रेड करेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में, मैं बता दे रहा हूँ पहले से, तुम लोग वीडियो मत मिस करना क्योंकि अपग्रेड करेंगे तो बहुत ज़्यादा मस्त चीज होगा। तो देखते हैं कि सामान कितना खरीदता है इन लोग देखते हैं। और ये रैग एम्प्टी पड़ा हुआ है, ये रैग को भी मेरे को मैनेज करके लोड करना है। तो जैसे कि तुम लोग गाइस देख पा रहे हो, इधर बहुत सारा मैं सेलिंग के लिए दे दिया हूँ और इधर कैशियर हायर हो चुका है, जैसे कि देख पा रहे हो दो दो कैशियर, और रीस्टॉकर्स काम पे लग चुका है, सारे रीस्टॉकर्स काम करना स्टार्ट कर चुका है। जैसे ही देख पा रहे हो तीन तीन रीस्टॉकर है, अब भी बिजनेस चलेगा खचाखच भाई हमारा, क्या ही बोलूँ मैं तो, खचाखच बिजनेस चलने वाला है। तो ये बहुत आसानी वाला काम होने वाला है हमारे लिए, और इनके इनको भी पैसा देना है भाई रीस्टॉकर्स, और ये को $90 मैं अगर दिखाऊँ तुम लोगों को, कहा गया एक सेकंड, मैं अगर हायरिंग पे चलता हूँ, देखो ये लोग $80 लेगा, ये देखो 90 लेगा, ये 80 लेगा। कैशियर जो हायरिंग होगा उसका डेली का ₹80 कटेगा और रीस्टॉकर का ₹90 कटने वाला है, रीस्टॉकर का डेली का, ठीक है ना। तो लगभग हमारा डेली का कॉस्टिंग इधर ही देख पा रहे हो, 80 बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, 80 और 80 इधर, इधर 90, $270 इधर का जा रहा है रीस्टॉकर का सैलरी पेमेंट, और $160 इधर का जा रहा है कैशियर पेमेंट। भाई साहब बहुत महंगा आ रहा है भाई, लेकिन सही है, बिजनेस बढ़ेगा बहुत जल्दी जल्दी। और कस्टमर्स जैसे कि देख पा रहा हूँ, मेरा अभी कोई काम नहीं है, मेरे को इधर फॉलो करते रखना है कि कौन सा सामान ख़त्म हो जा रहा है, उसको तुरंत ऑर्डर देके लेके आना है, मतलब मेरे को परचेस करके लेके आना है, जैसे ही ख़त्म होगा तो उसको मैं लूट करना चाहूँगा कंप्लीट करने के लिए। ये बहुत काम की चीज़ है। तो फिलहाल ये लोग, ये क्या ग्लिच हो गया क्या भाई, एक बंदा ग्लिच हो गया है भाई, ये सही नहीं है भाई, एक बंदा ग्लिच हो चुका है भाई इसको। अरे भाई कौन सी सामान लेने के लिए ग्लिच हो गया है ये बंदा, ये कौन सी सामान लेने के लिए ग्लिच हो गया है भाई, पता नहीं मेरे को, बट तेरी की ऐसा नहीं होना चाहिए, बंदा ग्लिच हो चुका है गाइस फिलहाल के लिए, तो बड़ी मुश्किल वाली बात है भाई, कौन से सामान के लिए ग्लिच हो चुका है मेरे को नहीं पता भाई। डिश वॉशर मैं उतार देता हूँ, देखते हैं इसमें से कोई सामान को लेना चाहता है, नहीं ये भी नहीं लेना चाहता, लेना कौन सा चाहता है भाई तू, ये चला गया लेके, ये कहाँ फंस गया मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसका, तो पैर इसमें अटक गया क्या, पता नहीं भाई किस में अटक गया इसका पैर, अबे यार इसको गेम रिस्टार्ट करना, रिलोड करना पड़ेगा उसके बाद ही और ठीक होगा पता है। तो छोड़ देते हैं आज के दिन के लिए उसका, उसको छोड़ देते हैं, मेरा पैसा जाएगा उसके पीछे, कुछ नहीं होगा, मैं रिस्टार्ट कर रिलोड कर सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत मेहनत करी हूँ, अभी रिलोड नहीं करना चाहता हूँ मैं इसको। तो फिलहाल ये दो ही काम कर रहा है, एक बंदा कम हो चुका है हमारा रीस्टॉकिंग में जो कि उधर अटक के रखा है, मैं क्या कर सकता हूँ इसको, कुछ कर सकता हूँ क्या, नहीं फिलहाल तो मैं नहीं चाहता हूँ कुछ भी करना, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ करेंगे गाइस तो दिक्कत हो जाएगा। ग्लिच आ गया है भाई, ये क्या ग्लिच है भाई, ये बंदा अटक गया। तो $1,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है हम लोगों को, और फिलहाल मैं गाइस वेट करता हूँ, और क्या आज का दिन क्या वेटिंग मैं फास्ट फॉरवर्ड करवा दूँगा या तो नहीं करवाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस, मैं स्किप कर लेता हूँ थोड़ा सा टाइम और उसके बाद मिलते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली गाइस नाइट हो चुका है, मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ और लाइट को ऑन कर देता हूँ, और जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो सारा प्रोडक्ट धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है, और कस्टमर्स तो भरे पड़े हैं भाई, कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है हमारे पास,
और मैं अभी वेट करता हूँ गाइस, लगभग 9 बजे तक देखते हैं कि कितना सेल वगैरह होता है। तुम लोग देख पा रहे हो, दो दो कैशियर्स, क्या ही मस्त व्यू आ रहा है भाई। दो दो कैशियर्स हमारे पास काम कर रहे हैं फिलहाल के लिए। $5,000 हो चुका है गाइस ऑलरेडी। तो नेक्स्ट सुबह तक हम लोग एक लाइसेंस, प्रोडक्ट लाइसेंस को परचेस करने के औकात में तो हम आ ही जाएंगे, ठीक है ना। और लगभग टाइम ख़त्म होने वाला है, मतलब आज का डे ख़त्म होने वाला है, 9 बजने वाला है थोड़ी देर में ही, और ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और वर्कर्स बहुत स्लो काम करता है भाई, मतलब मैं तो एक झटके में इनका मतलब सारा सामान को पैक कर देता हूँ, लेकिन ये लोग थोड़ा सा टाइम लगाते हैं भाई। मैंने देखा है ये स्लो है भाई, बहुत ज़्यादा स्लो है भाई, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। लेकिन ये बंदा देख पा रहे हो अभी भी ग्लिच होकर अटका रखा है भाई, क्या सीन है पता नहीं मेरे को कौन सी जगह पे ग्लिच होकर रखा है। इसको रिलोड करेंगे उसके बाद ये शायद से जाएगा। तो गाइस फिलहाल तुम लोग देख पा रहे हो कि लंबी लाइन लगा पड़ा है, 9 ओवर हो चुका है, फिर भी कस्टमर्स आए जा रहे हैं, मतलब एक के बाद एक कस्टमर आए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा ही आ रहा है फिलहाल। हमारा अभी सुपरमार्केट अच्छा खासा पॉपुलरिटी गेन कर चुका है, तो अच्छा खासा इंसान आते रहता है। और मेरे हिसाब से 6,000 तो चला जाना चाहिए मेरे हिसाब से गाइस, क्या बोलते हो। और रीस्टॉकर हमने हायर कर लिया फाइनली गाइस, हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग अभी बिजनेस को ओन करते हैं, एक सुपरमार्केट बिजनेस को, जो कि एकदम छोटी सी हुआ करता था, जो कि अभी इतना बड़ा बन चुका है कि जहाँ पर हमारे पास टोटल 3-5 वर्कर काम करते हैं हमारे साथ, एम्प्लॉई रखे हैं हमने 5 एम्प्लॉयज़ भाई साहब, और उनका डेली का अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। लेकिन मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है भाई, मेरे हिसाब से मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ऑलरेडी $2,000 के ऊपर मेरा प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन अभी भी अर्निंग हो जा रहा है। मेरे हिसाब से $3,000 हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और देखते हैं कौन सा सामान ख़त्म हो चुका है, मेरे को वो सारा सामान को फिर से परचेस कर लेके भी लाना पड़ेगा उनको रखने के लिए। जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो इधर सामान ख़त्म हुआ है, पोटैटो का 2 बैग ख़त्म हो चुका है, मीट कोई नहीं बैग गया है, टॉयलेट पेपर भी नहीं गया है। और टॉयलेट पेपर क्यों नहीं गया है भाई, एक सेकेंड, टॉयलेट पेपर, हाँ टॉयलेट पेपर रोल के लिए तो वही बंदा था, वो शायद से ग्लिच कर चुका है टॉयलेट पेपर के उधर ही भाई साहब। टॉयलेट पेपर तो भाई बहुत ज़्यादा ही नीडेबल चीज़ है, फिर भी एक भी सेल नहीं हुआ है, बात क्या है भाई। तो लगभग गाइस मैंने सारा प्रोडक्ट को भी मैं भी सेट कर दिया हूँ, क्योंकि वो बंदा ग्लिच होकर रखा है, पता नहीं कैसे ग्लिच हो गया भाई वो। और फिलहाल जैसे कि देख पा रहे हो इधर एक ही बक्सा रह गया है टोटल, इधर मेरे हिसाब से मैं ना इधर 5 बाई कर लेंगे, तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, अच्छा खासा बेच देंगे हम लोग चीज़ों को। तो फाइनली कस्टमर्स ख़त्म होने वाला है, और हम लोग इस डे के अंदर $3,000 पर मैंने सेल किया है, ठीक है ना, $3,000 का सेल किया है, और रेवेन्यू जनरेट किया है $1,000 का, ठीक है ना, अच्छा खासा प्रॉफिट मैं मान के चल सकता हूँ इसे। और वो बंदा ग्लिच हटा क्या, उसका नहीं हटा है अभी भी, मेरे को उसको रीसेट करना है, देखते हैं डे रीसेट करने से वो होता है या नहीं होता है। तो डे रीसेट कर लेते हैं पहले तो, और देखते हैं कितना डॉलर का नुकसान भाई साहब। सप्लाई कॉस्ट 6,000, तो सप्लाई कॉस्ट 6,000 चाहिए था, क्योंकि हमारे पास सारे ख़त्म हो चुका है, और हमारा आज का डे का इनकम हुआ है 2,200। और सनफ्लावर फ्लावर्स मसेला ये, और जो कि है मेरे हिसाब से कहा है भाई ये वाला साइज से 30, इसका ये महंगा हो चुका है, $5 इसका रेट रख लेते हैं हम लोग। और कौन सा था एक सेकेंड, कौन $5.2 सेंट्स, ठीक है ये वाला भी साइज से महंगा हो चुका था, नहीं 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 ये तो ज़्यादा ही महंगा मैंने रख दिया है, $6 रख तो इसको, ये तो सेल ही नहीं होगा भाई। ये वाला $10-11 मैं बेच सकता हूँ इसे, ये ज़्यादा ही महंगा चल रहा है। और इसको कितना चल रहा है, $6.11, ठीक है इसका
और चीजी सॉस का कितना चल रहा है? 12.8 डॉलर। ठीक है, इसका मैंने वो कौन सा चीज का हाँ वो वाला सामान, एक सेकेंड गाइस, मैंने एक चीज को शायद से सेल में नहीं लगाया है। कौन सा आइटम है पता है गाइस? मैं बताता हूँ तुम्हें, ये वाला चीज का ये आइटम कहाँ है भाई? ओ ये वाला जगह पे है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये है। मैं सोचा कि भाई ये वाला आइटम सेल ही नहीं हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया था अभी, मैं पागल हो जाता फिर से क्या भाई सेल नहीं क्यों हो रहा है भाई, ये वाला आइटम भी सेल वगैरह हो रहा है। तो मेरे मेरे को अभी क्या करना चाहिए बताएगा इस, मैं बताऊँ तो तुम्हें, मैं एक बार ये देख लेता हूँ ये सेल हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, फुल है, बिल्कुल फुल रखा हुआ है रैग इधर। और ये वाला क्या है? ब्रेड 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 खत्म हुआ क्या? हाँ खत्म हुआ था। तो फिलहाल मेरे को लेके आना है 1 2 3, और ये बंदा को पहले फ्री कराते हैं। एक सेकेंड गाइस, पहले सेव करने दो मेरे हिसाब से इसको, फिर मेनू में चलते हैं एक बार और उसके बाद कंटिन्यू करते, देखते हैं हो गया है क्या। हाँ ये लोग सही हो चुका है गाइस फिलहाल के लिए। और ये कहाँ पर लेके आया था, इसको मैं क्लोज करके रख देता हूँ। ये रहने वाला है, अबे इधर रहने वाला है, और चीज़ों को सारे ये जैसे रिसेट हो जाता है ये लोग, ठीक है ना? तो ये मैं इधर रख देता हूँ, ये लोग ऑटोमेटिकली कर लेगा अपना। और फिलहाल के लिए मैं कुछ सामान को परचेस करवाने वाला हूँ, जो कि होने वाला है सबसे पहले क्या है पता है गाइस? वो है टॉयलेट पेपर। टॉयलेट पेपर बहुत अच्छा बिकता है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिकता है टॉयलेट पेपर। और साथ ही साथ परचेस करवाने वाला हूँ पोटेटो को, ये भी अच्छा खासा बिकता है। तो 10 वो 10 ये बाई कर लेते हैं। तो सारे सामान आ चुका है, और जैसे कि देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा सामान हमने मंगा लिया है, लेकिन इतना सामान का ज़रूरत है फिलहाल तो नहीं है। टॉयलेट ये देख पा रहे हो बहुत भरा पड़ा है भाई। और उसी के साथ मेरे हिसाब से मैं इन सारे पोटेटोस को मैं इधर फेंकना चाहता हूँ, दूर ही जाता हूँ भाई थोड़ा सा। तो ये जितना भी रोल्स है मैं इधर सेट कर दूंगा, जिससे कि हमारा वार्कर्स को ये एक्टिवली मिलता रहे, ठीक है ना? तो जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो मैं इधर जल्दी जल्दी ये काम निपटा दे रहा हूँ। और ये भी फुल हो चुका है, तो मेरे हिसाब से ये वाला जगह में भी टॉयलेट पेपर रखा हुआ था। हाँ तो बाकी सारे चीज़ों को, आइटम्स को मैं इधर फेंकने वाला हूँ बहुत मस्त से, और जितना मस्त मैं फेंक पाऊँ ये अच्छी बात है, क्योंकि पता है ये जितना मैं स्टोर करके रखूँगा वो मेरा फ़ायदा है भाई। तो गाइस फिलहाल जब जैसे कि देख पा रहे हो हमने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुका है, अभी नया प्रोडक्ट लाइसेंस हम परचेस कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास वर्कर भी है साथ ही साथ उनका काम भी आ चुका है। नया प्रोडक्ट लाइसेंस हम लोग परचेस कर लिया है, और हमारे पास अभी भी पैसा है, जो कि मेरे हिसाब से मेरे को परचेस कर लेना चाहिए ये वाला। लेवल 30 में एक और ओपन होने वाला है, जितना प्रोडक्ट हमारे पास रहेगा उतना सेलिंग हाई होने वाला है भाई, ये याद रखना पड़ेगा गाइस, ठीक है ना? तो हमारे पास लास्ट आइटम था ये, अभी आ रहा है ये वाला फ्रीज़र, फ्रीज़र आइटम, फ्रीज आइटम, ओके फ्रीज आइटम, ये भी फ्रीज आइटम, ये भी फ्रीज आइटम, ये भी फ्रीज आइटम, फ्रीज 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 भाई साहब, फ्रीज़र परचेस करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, ऐसा क्यों गाइस? फिलहाल मैं दो 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 और ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो परचेस कर लेते हैं। सारे 2 आइटम करके मैंने परचेस कर लिया है, इसका भी दो, इसका भी 2 पैकेट परचेस कर लेते हैं। तो सारे 2 आइटम का परचेसिंग मैं कर लिया है, अभी फिलहाल इनको सेल करने, फ्रीज फ्रीज आइटम है ये, देख पा रहे हो सारा ऐसे लगता है इधर। ओ भाई ये क्या चक्कर है बहु भैया, ये तो खतरनाक चीज है भाई, फ्रीजर परचेस करना पड़ जाएगा मेरे हिसाब से मेरे को। व्हाट द हैक भाई, फ्रीज परचेस करना पड़ेगा मेरे पे। ओके ये बहुत खतरनाक चीज है भाई, इसी हिसाब से पहले जो है ये पहले पे कौन सा चीज है, पहले पे ये मशरूम करके कुछ है इसका है, ये वाला आइटम है,
मेरे हिसाब से ये है, लेकिन फ्रीज परचेस करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। देखो अभी भाई ये गलत है भैया, फ्रीज परचेस करना पड़ेगा। तो एक फ्रीज परचेस कर लेते हैं गाइस, मेरे हिसाब से एक फ्रीज सही रहेगा। फ्रीज भाई आ चुका है फ्रीज भी, तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। दो वर्कर्स आ चुका है मेरे इधर, और एक और फ्रीज मैंने लेके आ चुका हूँ मैं, और रोटेट करके इधर चिपका देते हैं गाइस, क्या बोलते हो इसको? क्योंकि फ्रीज रखना चाहिए मेरे को, अभी बहुत ज़्यादा फ्रीज का काम होने वाला है। और भाई साहब ये कैसा काम होने वाला है भाई, 20 भाई बहुत ज़्यादा रहता है आइटम इसके अंदर। तो अभी ये एक है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन जो भी है मैं ऐसे ही रखने वाला हूँ। जो जो सिंगल सिंगल करके इधर रह जा रहा है उसको उसको मैं बाद में सेट कर दूंगा। और ये वाला क्या चीज़ है इसको भी देखना पड़ेगा, और ये आइटम भी नहीं, एक जगह पे मैंने सोचा था सेट हो जाएगा, लेकिन ये दो जगह पे सेट हो रहा है, बहुत अच्छी बड़ी बात है। ये वाला चीज़ कौन सा है? ये वाला चीज़ ये वाला है, तो ये वाला चीज़ हम इधर रख देंगे, लेकिन ये वाला आइटम को मेरे को 6 मंगाना पड़ेगा ये वाला आइटम को, ठीक है? और उसके बाद ये एक न्यू आइटम है, इसको मैं इधर रख देता हूँ। भाई फ्रीज़र सामान तो भाई भर भर के आ रहा है भाई साहब, तेल तो मस्त होने वाला है, मैं बता रहा हूँ गाइस पहले से। और ये वाला आइटम कौन सा है? ये नया आइटम है क्या? ये वाला आइटम तो मेरे पे नहीं है भाई। हाँ ये वाला आइटम ये वाला है, तो ये वाला आइटम हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं गाइस फिलहाल के लिए। ये वाला आइटम हम नहीं सेल कर सकते, ये वाला सेल कर सकते, ये आइटम नया है बिल्कुल ही। नहीं, ये वाला आइटम तो ये वाला है। प्रोडक्ट विल बी नॉट सेम, ओके ये आइटम सेम नहीं है, तो ये डिफरेंट आइटम है, तो मैं इसको लोड करवा देता हूँ इधर। भाई ये फुल हो चुका है भाई साहब, ये तो अलग ही प्रोडक्ट था कोई भी। और ये भी अलग प्रोडक्ट है जो कि ये वाला है, जो कि पता नहीं क्या नाम है इसका। मेरे हिसाब से ये सारे आइटम्स जो भी सिंगल रोटेट आ रहा है इसको भी, ये तो फुल्ली एक जगह खा जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ ये फुल एक जगह खा जाएगा, तो मैं इसको रखने वाला हूँ ऐसे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो याद रहेगा मेरे हिसाब से। और ये वाला आइटम मैंने लगाया है क्या? ये वाला आइटम हाँ लगाया है ना, इसको भी हम इधर रख सकते हैं। और साथ ही साथ भाई ये वाला आइटम भी हमने लगा के रखा है, ये वाला आइटम ये वाला है, ओके ये हमने ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया था। तो ये वाला आइटम बिल्कुल न्यू है शायद से, ये और ये सेम आइटम है, तो मैं इसको रख देता हूँ। पता नहीं कौन सा आइटम है भाई, मेरे को दिमाग ख़राब हो रहा है फिलहाल, बहुत डिफरेंट डिफरेंट आइटम मिल रहा है मेरे को इधर गाइस। और मैंने कोई सा आइटम ऐसा हो सकता है जैसे कि ये देख पा रहे हो, ये एक बिल्कुल नया आइटम है मेरे, नहीं, ये और ये सेम आइटम है, हाँ ये और ये सेम आइटम है। तो मेरे को पता चल चुका है कौन सा आइटम भाई, बहुत सारा न्यू आइटम आया है, मेरे को दिमाग ख़राब हो रहा है अभी फ़िलहाल। मैं कितना आइटम लगा चुका हूँ मेरे को नहीं पता खुद से। ये वाला एकदम डिफरेंट आइटम है जो कि मैं इधर रखने वाला हूँ, और मेरे हिसाब से एक एक करके मैं सेट कर रहा हूँ। सो पहला है ये, उसके बाद है ये वाला, पता नहीं कौन सा है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 आइटम आया है, तो 7 आइटम पे, एक सेकेंड गाइस अभी पता चल जाएगा, 7 आइटम आया है, तो उसमें से 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 3 4 5 6, ओके 7वां आइटम सेम हमने रख दिया है शायद से, ये वाला है। कोई ना देखते हैं कौन सा आइटम आके रखा है, पता नहीं मेरे को। इनका प्राइजेस सेट करने दो भाई, बहुत महंगा है, प्राइजेस अच्छा खासा बेचने वाले हैं हम लोग इनको। 30 रखेंगे, $4 का प्रॉफिट इसमें, इसका प्राइस $25 भाई, अच्छा खासा सेलिंग प्राइसेस है भाई इनका, $26, ओके। और इनका सेल देख लेते हैं, $59, तो 59 मतलब कितना होता है ना, $15 मतलब $16 रख सकते हैं हम लोग इसका। और सेकेंड वन है $3 $4 इसका रख सकते हैं हम लोग,
$4 रख सकते हैं, $4 सेट हो जा रहा है। और नेक्स्ट वन भाई साहब $54 ना $14 भाई, अच्छा खासा बेचने वाले हैं हम लोग चीज़ों को। और इसका होने वाला है $20 भाई, $21 भाई साहब, मतलब सेल तो अभी बहुत बूस्ट मिलने वाला है सेल को। $113 इसका, $13.30 $4.58। ओके अच्छा खासा प्राइसिंग हम लोग इंक्रीज कर चुके हैं। न्यू आइटम्स आ चुका है, न्यू आइटम्स को रखने का भी जगह चाहिए हम लोगों के पास। फिलहाल शॉप को ओपन कर देते हैं। और गाइस ये वाला हमारा आज का लास्ट डे होने वाला है, मतलब इस गेम प्ले के अंदर जहाँ पर हम लोग न्यू प्रोडक्ट लाइसेंस को हम लोग परचेस कर लिया है। नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं ट्राई आउट करूँगा कि मैंने शॉप ओपन कर दिया ना, हाँ मैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में ट्राई आउट करने वाला हूँ कि देखो आज के जाते जाते ना एक प्रोडक्ट लाइसेंस और परचेस कर लेंगे जो कि है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला प्रोडक्ट लाइसेंस परचेस कर लेंगे। और क्योंकि ये वाला अनलॉक्ड हो जाएगा हमारा, ये परचेस नहीं करेंगे, ये वाला परचेस कर लेंगे। और इसका जो सेटअप है हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करने वाले हैं और साथ ही साथ ग्रो करने वाले हैं, मतलब चीज़ों को अपग्रेड करने वाला है हमारा शॉप को, मतलब सुपर मार्केट को। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ कि फ़िलहाल इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या करूँगा, तुम लोगों के साथ मिलते हैं जब तक कस्टमर नहीं आ जाता है तब तक, ठीक है ना, उसके बाद मिलते हैं तुम लोगों के साथ। सो फाइनली गाइस जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो नाइट हो चुका है और मैं लाइट ऑन कर देना चाहता हूँ। और इधर का भाई सामान बहुत कम सेल हुआ है, तो जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा पैसा आएगा। और कस्टमर्स अभी भी बहुत ज़्यादा है और 9 बज चुका है भाई, बहुत ज़्यादा कस्टमर है और साथ ही साथ 9 भी बज चुका है। तो देखते हैं कब तक के लिए चलते हैं क्राइटेरिया और देखेंगे आज के इस वाले एपिसोड के अंदर हम लोग 3000 डॉलर हम लोग ऑलरेडी मतलब सेल आउट कर चुके हैं $3000 का, करीब करीब है $3000 का, लेकिन थोड़ी देर में हो जाने वाला है $3000। चेकआउट फुल, दो चेकआउट है फिर भी फुल हो चुका है भाई, क्या कर रहे हो भाई, जल्दी करो भाई, टू एक्सपेंसिव फोन में पड़ता, क्या बोल रहा है भाई, कौन सा चीज़ ये वाला बोल रहे है क्या, टू एक्सपेंसिव कौन सा चीज़ बोला, ये वाला चीज़ $65 नहीं, ये वाला आइटम हाँ इसका 5 रख सकते हैं हम लोग। और ये वाला बोल रहा था क्या, नहीं 5 ये तो सही है। प्राइस इंटर मसाला पुणे $6 ओके, एक राइस ठीक है। सारा आइटम्स का प्राइसिंग भाई सब कस्टमर अभी भी है भाई, बहुत ज़्यादा ही कस्टमर है भाई। फिलहाल मेरे हिसाब से 4000 पहुंच चुके हैं हम लोग वापस से गाइस। और मेरे हिसाब से मेरे को ऑफलाइन ही बाई करना पड़ेगा वो वाला, मैं ऑफलाइन वो वाला प्रोडक्ट लाइसेंस परचेस कर लूँगा, ठीक है ना, परचेस कर लूँगा, उसको परचेस करके तुम लोगों को दिखा दूँगा उसमें क्या था, ठीक है ना, न्यू प्रोडक्ट उसमें क्या था। और साथ ही साथ उस दिन क्या करेंगे, कुछ सेल्स वगैरह करेंगे जल्दी जल्दी, जिसमें जितना सेल होगा उतना हमारा प्रॉफिट बनने वाला है गाइस। फिलहाल जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा हमारा सेल आउट हो चुका है, बंदे बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा है लगभग, जैसे कि तुम देख पा रहे हो अभी देखते हैं 69 भाई, मेरे को हर एक बंदे से मिनिमम $100 चाहिए, हर एक बंदे से अगर मिनिमम $100 मिलता है तो हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाने वाला है गाइस, ठीक है ना। तो देखते हैं $46 ये लास्ट कस्टमर है ये हमारा, तो फाइनली हमारा लास्ट कस्टमर चला गया है हमारे शॉप से। तो आज के लिए तो मेरे को कितना सेल वगैरह था वो तुम लोग चेक कर चुके हो ऑलरेडी। और हमारा सुपर मार्केट देख पा रहे हो नाइट में, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ चुका है हमारे पास। तो
तो मैं फिलहाल चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। और तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तुम लोगों का सपोर्ट मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। और मिलते हैं ना तो वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट गाइस, बाय, हैव अ ग्रेट डे।